पहला नक्षत्र है हमारा अश्वनी। गुप्त विद्याओं में इसकी गहरी रुचि है, किंतु फिर भी अश्वनी नक्षत्र के जातकों का विशेषज्ञ कदापि नहीं होता। अब एक वर्ड में हम बोलना चाहूंगा सिंपल सा, सबसे पहले इंपोर्टेंट है, आपको एक समझ में आएगा, आकाश में यह नक्षत्र घोड़े के सिर के समान दिखाई देता है। पहले इस पॉइंट को समझें, आकाश में यह नक्षत्र एक घोड़े के समान दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट, अब आपको पता है, जैसे आपने पीछे देखा होगा, अश्वनी नक्षत्र का स्वामी कौन था? केतु। ये लाइन लिखी होगी यहां पर, अश्वनी नक्षत्र का स्वामी कौन है? केतु। और केतु का संबंध किससे होता है? आध्यात्म से होता है। अश्वनी नक्षत्र के देवता अश्वनी कुमार हैं, वो देवता का नाम है, और वो शल्य चिकित्सा में, शल्य विज्ञान के हमारे गुरु रहे हैं। शल्य विज्ञान क्या होता है? जितना भी हमारा पहले क्या होता था, जितना भी शल्य चिकित्साएं होती थी, मतलब काटा छाटी छीरा पाड़ी, जिसे आजकल हम बोलते हैं ऑपरेशन, सर्जन, ठीक, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। और इसमें सबसे बड़ी और दूसरी क्या बात आने वाली है, आप इसमें लिखें, अब आपको ध्यान है, आपको ये भी पता चलना चाहिए, हम पहले नक्षत्र की बात कर रहे हैं, किसकी? अश्वनी। अब अश्वनी का स्वामी कौन है? केतु। अब ये जो अश्वनी है, ये मेष राशि में आएगा मैडम। क्यों आएगा? क्योंकि पहली राशि मेष होती है। एक राशि के अंदर कितने नक्षत्र होते हैं? सवा दो नक्षत्र। कितने दो होते? तो पहला एक 13 डिग्री 20 मिनट तक रहेगा, दूसरा भी 13 डिग्री 20 मिनट तक रहेगा, तो 13 डिग्री 20 मिनट और 20 मिनट कितने रहेंगे? 26 40। अब जो एक चौथाई बचा, वो कितना बचा मैडम? 3 डिग्री 20 मिनट। 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट, 3 डिग्री 20 मिनट, एक चौथाई बन गई, दो चौथाई बन गई, सवा दो बन गए, नहीं बने? सवा दो नक्षत्र। अब मेरा पहला ये मेष राशि है पूरी, मेष राशि कितनी होती है? 30 डिग्री की पूरी, ठीक, एक राशि 30 डिग्री, तो 26 डिग्री तक आ गया, 3 डिग्री 30 पूरा कंप्लीट हो गया। तो जब मैं आगे बढ़ूंगा, तो एक अब मेरा चार चरण, एक नक्षत्र तो पूरा ही खर्च हो गया, एक नक्षत्र के चार चरण ये खर्च हो गए, अब मेरा एक चरण यहां खर्च हो गया, अब जैसे ही मैं वृषभ राशि में जाऊंगा, तो मैडम मुझे पहले ये पूरे करने होंगे अपने, क्योंकि एक यहां बचा हुआ है, तो हमने कितने छोड़ दिए? 3 डिग्री 20 मिनट तो यहां है, कितने छोड़ दिए? 10 डिग्री 13 20 पूरे करने, तो 10 डिग्री यहां मेरे हो गए, ठीक है। ये एक छोड़ा था, ये कितने हो गए मेरे? दो, तीन, ठीक। तो आपको इस सीक्वेंस में आगे बढ़ना है, कैसे बढ़ते जा रहे हैं, अभी पूरी टेबल आने वाली है, थोड़ा सा पहले एडवांस में बता रहा हूं, उसको लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई अश्वनी नक्षत्र है हमारा, उसका स्वामी कौन है? केतु, ये पता ही है। कौन सी राशि में पड़ता है? ये मेष राशि में। अब इन तीनों के रिजल्ट को हमने जोड़ना है। मेष राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। इसके अंदर आवा मंडल में देखो, सारे के सारे अंदर रेड कलर है, घोड़े के समान। अब घोड़े के अंदर पावरफुल बहुत होता है, बहुत एनर्जी होती है, हर चीज को हमने हॉर्स पावर में जोड़ा है, घोड़े की एनर्जी हॉर्स पावर जैसी होती है, ठीक है। ये इधर घोड़े भी वैसे भी भागते नजर आ रहे हैं इसमें से। अब ये जो स्लाइड इधर का आकृति पार्ट है, ये ह्यूमन का है, अर्थात जो ये पार्ट है, ये धड़ है, ये अलग व्यक्ति का है, ये अलग व्यक्ति का। केतु के कारण ये यहां अलग हो गया है और ये अलग हो गया, ये मानव बॉडी आ गई, ये ऊपर अलग बॉडी आ गई, दो बॉडियां आई, ठीक है। तो इसकी ऑटोमेटिकली अश्वनी नक्षत्र में, अब मैंने क्या बोला था, संधि नक्षत्र है ये भी ध्यान रखो, गंडमूल है, तो गंडमूल क्या है? दो चीजों से जुड़कर बना, तो ये दो चीजों से जुड़कर बन रही है, नहीं बन रही आकृति, एक मानव से और एक पशु तत्व से, या हम पशु ना बोले तो अभी के लिए आप समझे, एक दूसरा एक भाई प्राणी लिया गया है ना, तो दो तत्वों से जो जुड़कर बने वो वैसे ही संधि नक्षत्र हो जाता है, गंडमूल हो जाता है, समझ गए।
तो जितने भी गंडमूल होते हैं उनमें पावर क्यों फालतू होती है? क्योंकि वो दो जीव से जुड़कर बने हुए हैं। इसलिए तो कहते हैं या तो इनकी एनर्जी को सही जगह लगा दो वरना ये आपको दुखी रखेंगे। अब उल्टा कर दिया लोगों ने, क्या कर दिया भाई, ये तो ना मूल नक्षत्र पता है, जाप करवाओ पहले। अरे उन्हें जाप की जरूरत नहीं है, पहले इतने एनर्जेटिक और ज्यादा कर देते हो तुम उसकी एनर्जी को। अच्छी बात है, करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपने यदि टाइम रहते उसकी एनर्जी को सही डायरेक्शन नहीं दी तो फिर वो दुखी करेगा, फिर आप बाद में कहेंगे यार ये मूलों में पैदा हुआ है इसलिए दुखी करता है। तो बचने के लिए नई कहानी शुरू कर दी कि भाई ये मूलों में पैदा हुआ है। क्या एनर्जी को जाप के माध्यम से इंक्रीज और डिक्रीज करा जा सकता है? कुछ हद तक, थोड़ी टाइम लिमिटेशन टाइम के लिए, जैसे घोड़े को लगाम डालकर कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, पूरी जिंदगी भर नहीं, समझ गए? तो लगाम क्यों डलती थी पहले गांव में, आपने सुना होगा कि लगाम डाल दो इसके, वर्ड कहां से आया, यहीं से। ठीक, तो ये हमारा ओवरऑल क्या कहता है, अश्विनी नक्षत्र। तो इसमें एक बात और लिखी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब हम धर्म अर्थ काम मोक्ष, जब आप कुंडलियों में आगे बढ़ेंगे तो कुंडलियों में मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कोई भी कुंडली होगी उस कुंडली में हमेशा हर चीज का ज्योतिष में आधार लिखा है, जब भी तो भारतीय ज्योतिष है, आधार कहां से निकला? हमेशा पहला भाव धर्म का होगा, दूसरा अर्थ का होगा, तीसरा कर्म का होगा, चौथा मोक्ष का होगा। ऐसे ही फिर घूम जाएगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष, फिर धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष। अब देखो बहुत सिंपल है, पहले पांचवें और नौवें नंबर पर धर्म आएगा, दूसरे छठे दसवें नंबर पर अर्थ आएगा, तीसरे सातवें और ग्यारह नंबर पर काम आएगा, चौथे आठवें और बारह नंबर पर मोक्ष आएगा। अब आपको कुछ चीज याद आ रही होगी, देखो इधर, अब आप हमेशा कुंडली में जब देखते थे केपी के अंदर भी और कहीं भी पढ़ते हैं तो आप क्या सुनते हैं कि भाई धन का नंबर कौन सा होता है? दो, छह, दस, ग्यारह, ऐसा सुना है ना ज्यादातर आपने केपी के अंदर, दो छह दस ग्यारह, कहां से बन रहा है ये, समझ गए? आपने ज्यादातर जब बात करेंगे प्रेम के नंबरों की, पांच नौ एक, या आयु वर्धक नंबरों की, धर्म की, तो ये कहां से बन रहे हैं? काम की नंबर, काम मायने यहां काम से मतलब है इच्छा शक्ति से, आई विल डू और नॉट, कर पाऊंगा या नहीं, पराक्रम। काम का मतलब यहां कोई नेगेटिव सेंस से नहीं है, ध्यान रखना, काम का मतलब केवल इतना सा है कि पराक्रम, इच्छा शक्ति, मनोबल, ये मेरा काम है। मोक्ष का मतलब यहां कष्ट से है, क्यों? कलयुग में आठ नंबर और बारह नंबर को क्या बताया है? क्योंकि जब हम आठ और बारह नंबर पर आते हैं, आठ या बारहवें भाव की बात करते हैं, तो यहां क्या है, यहां हम अपनी बॉडी को रिलैक्स फॉर्म में छोड़ने की कोशिश करते हैं और आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, पर सांसारिक जीवन में आध्यात्म को इन्वॉल्व करते हैं तो आपको कष्ट होता है। ये सेपरेशन रखिए उसके लिए, आप सेपरेट टाइम रखिए कि भाई अब मेरा ये आध्यात्म का टाइम है, ये मेरे अब सांसारिक चीजों का टाइम है। तो चार बारह में कलयुग के हिसाब से अगर हम, सीधी सी बात है, दूध में आप बीछन डालोगे, दही डालोगे तो क्या होगा? और आप ये जो भौतिक सांसारिक जीवन जी रहे हैं जिसमें आपको बच्चों को भी देखना है, जिसमें आपने पति को भी देखना है, माँ बाप को भी देखना है, घर भी, नौकरी भी, सब कुछ देखना है, और जब आप जैसे ही उसमें थोड़ी देर के लिए क्या डालोगे, आध्यात्म की नॉलेज, तो क्या होता है, आप डिस्टर्ब होते हो, नहीं होते, ये करें क्या है, छोड़ सब चीजों को, दोनों में परेशान होते हो, तो हम क्या करते हैं, बैलेंस, जब जाकर कोई चीज बनती है। क्लियर पॉइंट? तो मेरा यहां मतलब क्या है, यहां मतलब है उस चीज से जो हमारा जीवन है वो पूरा का पूरा इन नक्षत्रों पर ही आधारित है, इनके गुण पर आधारित। अब जो बच्चा अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेगा
उसके अंदर आपने ये सारी चीजें सिम्टम देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट, अब अश्वनी जो नक्षत्र है वो नक्षत्र हमारा सामान्यतः किन किन चीजों में रिजल्ट निभाता है, नक्षत्रों के कारक, जैसे आपने ग्रहों के कारक तत्व पढ़े थे आपको मैंने कि भाई ग्रहों के कारक तत्व है ये काम करेगा, ये काम करेगा, ऐसे ही नक्षत्रों के कारक तत्व है और ये कारक तत्व किस हिसाब से काम करते हैं। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, सबसे पहले अश्वनी की। अश्वनी के अंदर मैंने आपको मोटा मोटी सारी चीजें बता तो दी हैं कि आप ये सामान्यतः है भाई की बीमारी, लोभी, भूमि की संपत्ति के बारे में चिंतित, भाई से सब एक जर्नल है, ये जर्नल टॉपिक है, ये जितना लिखा है ये सारी चीज मैंने जर्नल के रूप में बता दी है। हाँ, इसमें से सबसे अच्छी बात है ये सारे पॉइंट जर्नल तो मैं बता ही चुका। प्रोफेशन के अंदर ये सेना चिकित्सा मंगल के कारण, जितना भी इसमें पुलिस बल है, चिकित्सा मैंने शल्य चिकित्सा के कारण, मतलब आप देखो जो वर्ड आ चुके ना उन्हीं को ही हम देख रहे हैं, देखो बड़े ध्यान से, पावरफुल मंगल के कारण, सेना चिकित्सा, शल्य पुलिस चिकित्सा और मशीनरी अग्नि चिकित्सा, घोड़ों का व्यापार, व्यापारियों के अनुसार सुंदर व्यापारियों के रूप में सुंदर व्यक्ति, मतलब यहां अनुचरण मायने हमारे जीवन में जब हम किसी चीज का एक फॉलोअप करते ना किसी के साथ कि भाई मैं जैसे आप मुझसे सीख रहे हो, ये अनुचरण है, ठीक है, आपने कोई चीज कहीं से ली है उसको फॉलो करना, क्योंकि मैंने क्या कहा था केतु का भी तो है, केतु का भी तो गुण है अध्यात्म का, समझ गए ना, फॉलोशिप का भी तो गुण होता है इनके अंदर। तो ये जितना भी हमारा यहाँ प्रोफेशन है वो सब चीज मिक्स होकर आ रही है, किन किन चीजों को देखेंगे आप, मंगल को दे रहा है थोड़ा सा, केतु को दे रहा है थोड़ा सा, ठीक है, मंगल केतु इन चीजों का एक मिक्स रोल आ रहा है ना। शिक्षा, अब सबसे ज्यादा आपको ये सबसे ज्यादा जानने के लिए मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन, केमिकल्स, सिविल, कला और कानून, कला वर्ड थोड़ा कमजोर है पर कानून पूरी तरीके से ओके है, कृषि, जमीन है मंगल, ठीक, ये सारे यहां शिक्षा से संबंधित पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बॉडी पार्ट्स में आप, सॉरी, बीमारी में हमारे लिए क्या करेगा, अब मंगल और केतु सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं तो आपको एनर्जी के दौरे, नरेगी के दौरे, सबसे पहले मंगल रक्त है, रक्त में जमाव या रक्त का हाई बीपी, स्ट्रोक, सरदर्द, नसों का दर्द, ये मस्तिष्क, ये सब उन्हीं को कनेक्ट कर रहा हूं मैं मंगल केतु को, और ये सारे का सारा हमारी एक बीमारी हमें दे रहा है। बॉडी पार्ट्स में अभी हम 27 नक्षत्रों में इसको बांटना शुरू करेंगे, तो सबसे ऊपर से शुरू होता है नक्षत्र, तो सर और मस्तिष्क के अग्रिम भाव ही इसके पार्ट में।